भने त्यतिखेर तपाईँले भोलमको अनुसारले चाहिँ डराउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ क्या। अब घटायो भने चिन्ने मान्छे आउँछन् कि, 800 पुरायो या 900 बेच्यो भने दाइलाई त मस्त फाइदा छ नि। अनि उहाँको त मतलब भएन, हामी गरेर किन भने 11 बेच्ने भने के अहिले अहिले बेच्ने पर्ने बेला चाहिँ छैन। अब त्यो भोलम जेनेरेट भयो भने भोलि होइन मान्छेको इन्ट्रेस्ट भइरहेछ, मान्छेको इन्ट्रेस्ट भयो भने फेरि स्टकको प्राइस फेरि बढ्ने सम्भावना झन् कम हुन्छ कि निशानजी। त्यही भएर भोलि यति इन्ट्रेस्ट देख्यो भने भोलममा, पर्सि पनि इन्ट्रेस्ट देख्यो भने निको पर्सि तपाईँले अलिकति सोचेर चाहिँ फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ पर्सि। किनभने त्यो मान्छेहरू जो जसले इन्ट्री गरेको छन् त्यो मान्छेहरू र अनि त्यो मान्छे त धेरै क्वान्टिटीमा छ किता, त्यो किताले त तपाईँलाई असर गर्छ नि त। तपाईँ त पहिले इन्ट्री गरेको मान्छे हो, त्यो खालको कुराहरू चाहिँ डाइनामिक किनभने त्योभन्दा अब 1700 डबल कति 3400-4000 समथिङ पुग्नु पर्यो होइन, त्यो पुग्ने कहिले कहिले क्या, त्यो पुग्ने त अब के आधारमा पुग्ने भन्ने कुरा नि रहन्छ होइन। अब कि चिठै पर्नु पर्यो त्यो अलग चिज छ, नभए चाहिँ यो यहाँबाट 100-200 खानालाई के खान रिस्क लिनुहुन्छ भन्ने कुरो हो। म त त्यही भन्नु होइन, मैले कुरा ल दिपेन दाईले 5000 पनि पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ, डिस्ट्रिब्युसन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा हो कि, आफै आउँछन् कि, आफै आउँछन्। अहिले 1100 पुऱ्याइदिन न, मान्छे आफै आउँछ नि किन्नलाई, 1700 पुग्यो भन्दै 1100 अनि त्यही 1100 उहाँलाई फाइदा छ क्या, डिस्ट्रिब्युसन भइरहेछ। तर भोलममा आज भयो क्या, भोलि पनि भोलममा भयो, पछि पनि भोलममा भयो भने ती साने चाहिँ अलिक सोच्नुपर्छ त्यतिखेर के, बुझ्नु भएन। त्यतिखेर चाहिँ अलिकति त्यो मान्छेहरूलाई र मान्छे हुन सक्दिन के, त्यो मान्छेहरूले 700 के अरे 500 किनेको 1600 किनेको मान्छेले 2000 बेच्छन् भोलि, अनि पर्सि पनि 1650 किनेको मान्छेले 2000 जोसँग एनएफएस छ उहाँले आफ्नो फाल्न मन छ भने फाल्ने, राख्न मन छ भने राख्ने होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ अर्काको स्क्रिप्टको चाहिँ जसले चलाएर आज प्लेयरलाई चाहिँ चिन्ता छैन डिस्ट्रिब्युसनको, तपाईँहरूलाई चाहिँ किन चिन्ता हो, जसलाई फाल्नु मन छ फाल्दै भइहाल्यो। सुरेश सर तपाईँलाई कसैले केही भनेको छैन क्या, मैले चाहिँ उसलाई तपाईँलाई नै भनेको छैन कि डिस्ट्रिब्युसनको अर्काको त्यो चिन्तै छैन नि, डिस्ट्रिब्युसन कहाँ गर्छ यताउता त्यो भन्ने कुरा होइन नि त यार, डिस्ट्रिब्युसन भयो यत्रो मार्केट छ डिस्ट्रिब्युसन त भइहाल्छ त नि। मैले तपाईँहरूसँग डिस्कस गर्नु खोजेको होइन, मैले यो दादालाई मेरो पर्सनली ओपिनियन माग्न खोजेको मात्रै हो, पर्सनली भयो इनबक्स छ नि कुरा गर्ने छ, सेल कति छ पहिला त्यो हेर्नु न सर, प्लेयरले चाहिँ किता थप्या थपे आज हेर्नु न कति थप्नु आज दिपेन दाईले एनएफएस मात्र मैले बेच्नु भने होइन क्या, त्यति धेरै मान्छेको इन्ट्रेस्ट देख्यो भने त्यो स्टक तपाईँहरूले राख्नुहुन्छ मैले बुझे, तर अलिकति मान्छेहरू पनि फाल्ने पनि निस्किन्छन् के सर, अलिकति धेरै भोलममा निस्के भन्ने त्यहाँ थाम्ने हात त छ त सर, अरू स्टकमा छ, अरू दिपेन्द्र दाई अगाडि नै फरवर्डमा आएर म लिन्छु भनेर अगाडि स्लेर बस्नुहुन्छ, अलिक धेरै मान्छे इन्ट्री गर्यो भने अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएको होला, गोर्खा पनि 1400 थामेर होला 200-300 पुगेको तपाईँले पछि चाहिँ एनएफएसबाट एक्जिट भएर गुफामा जान सक्ने सम्भावना, अरू स्टकमा जाने सम्भावना रहन्छ, तर अहिलेसम्म चाहिँ एनएफएसमा डराउनु पर्ने केही देखेको छैन है। तर आजको भोलि पनि सिग्निफिकेन्ट हो, भोलि पनि यस्तै सिग्निफिकेन्ट आयो भने पर्सि पनि आयो भने सोच्नु है। बजाना भोलमा आएछ के हो भनेर सोधेको, राख्न नि पाइन्छ, जे गर्न नि पाइन्छ के, आफ्नो डिसिजन लिने हो हेर्नुहोस्। तर म सजेस्ट गर्छु होल्ड गरे, 5000 टार्गेटमा 2000 फाल्छ कसैले, फाल्ने हो भन्छु म त, अरू अरूमा
ए ल दाइ मैले मानेको त्यो स्टकको टार्गेट 5000 भन्नु नि त ल मलाई त्यो भन्दा बढी पुग्छ भनेर एकजना सरले भन्नु हो यहाँ कुन स्टक पुग्छ भन्नु एनएफएस 20000 5000 पुगेपछि थाप भन्नु हैन अहिले नभन्नु कि 5000 भन्नु भर्खर एनएफएस भन्दा नि धेरै कमाइन्छ भनेर एउटा आयो होइन कति राम्रो कुरा यो सबजनाले कमाउनु त आयो भने भन्नु न त्यस्तो स्टक हामी जानु भनेर मैले यसो क्युरियोसिटी लागेर सोधेको छ त्यतिखेर कसैले किन्दैन 800 धेरै प्रचार भयो नकिन भनेर अहिले अब 1000 पुग्यो भने आइहाल्छ नि भेडाहरू दौड्दै आउँछन् अनि खस्ने बेलामा अलर्ट हुने हो उहाँले चाहिँ नबेचिकन जानुहुन्छ होइन तपाईँहरूलाई सबैले पैसा बाँडेर जानुहुन्छ त्यही कुरा हेर्ने हो त होइन आफ्नो मेहनतको पैसा कसैले कसैलाई बाँड्दैन सर कसले बाँडाएर यहाँ कमाएको पैसा जोशी हजार पुर्याउनु भयो पुर्याउनु भयो गुफल यही एक महिना डेढ महिना पाउँछु भने अहिले फेरि के कि त अनलक भयो म निस्के भन्नु हो सुने सुनेकै हो सबै कुरो युट्युबमा छ हजुर अब 2000 नै पुग्छ अहिले यहाँ डिस्कसन गरेर कुरै छैन 2000 पुग्छ अनि त्यसपछि तपाईँहरूले फाल्नु भन्नुभएको छ हिजोबाट खस्ने गोरीलाई राम्रो भन्न सकिन्छ कहाँ थाप्न सकिँदैन 5000 एनएफएस भन्नु चाहिँ पागल बनायो सुन्नुहोस् होइन 5000 भन्नु भएको छ कि छैन त्यति भन्नुहोस् भाइ 5000 भन्नु भएको छैन हो पागल बनाउ सक्यो यदि अहिले चाहिँ ओके उहाँले चाहिँ 2000 फालेर त्यसपछि अब आफ्टर डेट 4000-5000 पुगेर त्यो चाहिँ अहिले जुन फाल भन्ने मान्छेले चाहिँ उसको चाहिँ लस बियर गर्छ पछि त्यो पनि हो नि गुड गुड भेरी गुड मैले चाहिँ एउटा साथीको एनआइपिएस बेचाएर एकदम रिग्रेट गरेको छु कि मैले चाहिँ के गल्ती गरेँ भने प्लेयरको चाहिँ नि एउटा खालको त्यो सकि नसकिन्जेलसम्म चाहिँ राइड गर्नुपर्छ भनेर त्यहीँबाट मैले सिकेँ भाइ ए जोस भाइ एचएल सर्की लाग्छ नि थाहा थियो त मलाई थाहा थियो सबै नभइकन फाल नि भोलि पर्सि हामी अब सिप्रोदायको सुनिन्छ है सिप्रोदायको कुरा सुनिन्छ हामीले हामी भएपछि अब धेरै पछि हाम्रो सिप्रोदाय आउनु भएको छ सिप्रोदायको कुरा सुनिन्छ सिप्रोदायले फेरि नमस्कार खाना चाहिँ एकदम मनपर्छ होइन दाइ तपाईँलाई त्यही भएर मैले एक लट तपाईँलाई नमस्कार हानिदिन्छु म भर्खरै कान्तिपुरमा फास्ट साइडमा गभर्नरको महाप्रसाद अधिकारीको इन्टरभ्यू हेरेर आएँ उहाँको इन्टरभ्यूको सरसर्ती हेर्दा मेरो कन्क्लुजन के आयो भने अब निर्माण क्षेत्र चलामान बनाउने हो देशभित्रका सिमेन्ट कारखाना स्टिल कारखानाहरूलाई व्यापक चलाउने हो अब शिवम बुमबुम ए सरी शिवम रे सिमेन्ट बुमबुम भन्ने कतै कतै दाजु कतै तपाईँलाई फुत्केकै हो है भन्न नचाहँदा नचाहँदा पनि स्क्रिप्ट फुत्केकै हो तर सिपोले सबैभन्दा धेरै कमाएको घोराइमा हो है त्यही भएर एउटा गभर्नरले देशको अर्थतन्त्र चलामान बनाउन निर्माण क्षेत्र चलामान हुँदै गर्दा यस्ता सिमेन्ट कारखानाहरू र डन्डी कारखानाहरू व्यापक चल्ने हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सरहरू मेन कुरो बुझौँ ठिक छ त्यताको मार्केटको कुरो भइहाल्छ अनि हाम्रो यहाँ बिनुबाजी हुनुहुन्छ केटराजी राधाजी हुनुहुन्छ के अरे ठिक छ उहाँहरूको नि कुरो म चाहिँ त्यो महाप्रसाद अधिकारीको गभर्नरज्यूको कुरा पहिला चिरञ्जीवी नेपाल हुँदाखेरि अलिकति गभर्नरको जान्न थाले हो मैले त्यसपछि आज महाप्रसाद अधिकारीको चाहिँ इन्टरभ्यू लामो समय लाएर राम्रोसँग सुने जब आफू यो बजारमा भिज्दै गर्दा आफूले भोग्दै गर्दा होइन त्यो क्षेत्रको बारेमा चाहिँ सर्लक्क सुन्न मजा आउँदो रहेछ हेर्नुहोस् आज इन्टरभ्यू मजा आयो भन्दै अब
ल अब बिचमा सिमेन्टको एउटा एडभर्टाइजमेन्ट आएपछि अब एनएफएसतिरको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ अघि बढ्नुपर्छ है सर। होइन हाम्रो यहाँ यो नयाँ नयाँ लेडिज इन्भेस्टरहरू नै भएर होला पछि हाम्रो राधा भन्ने हुनुहुँदो रहेछ बिनु बाजी केटराजी हुन्छ। हेलो बिनु बाजी नमस्ते। नमस्कार बिनु बाजी। हाम्रो राधाजी हुनुहुन्छ राम्री राम्री मान्छे राधा पोखरी अब यो दस बजे अब कसले खाना बनाएर खाना खाएर रेडी भएर बिस्तारामा पल्टिसक्नु भएको छ उहाँ। हेलो राधाजी नमस्कार। मैले चाहिँ मन्त्री सरलाई एउटा क्वेसन सोधेँ। मन्त्री सर अब यो जिसिआइएलले चाहिँ भन्दै भाग्नुभयो है बल्ल जुन सुकै सरले भन्दा नि हुन्छ यो जिसिआईले शिवमको रेटलाई चाहिँ उछिने चान्सै कतिको छ हुनुहुन्छ मन्त्री सर यहाँ मन्त्री सरले उछिन्न छ उछिँदैन सर मैले होइन मन्त्री सरले नै शिवमलाई भने हजुर हजुर उछिँदैन प्रोफिट भाइ ह्यान्ड्रेज अन गरौँ न ह्यान्ड्रेज अन गरौँ न ट्रस्ट है ट्रस्ट बढ्छ नबढ्ने होइन शिवमलाई जित्दैन कुरा त्यति हो। हाम्रो राधाजी किन बोल्नु भने यति राम्री मान्छे माथि आएर बस्नु भएको छ टिका लगाएर चट्ट लगाएर। हेलो राधाजी नमस्ते। मुसु मुसु माइक म्युट गरेर हाँसिरहनु भएको छ होला तपाईँ होइन ठिक छ कुनै बेला हामी बोलिन्छ के छ र। ओहो मेरो दिदी देवीदी नमस्ते बाबा यति राम्रो दिदी कहाँ हो कताको घुमघाम हो दिदी अह होइन अब सुरु ए ठिक छ ठिक छ त्यही अनि तपाईँले त बजारमा नराम्रोसँग कमाउनु हो भन्ने होला तपाईँ फाइनेन्समा कमाउनु नराम्रोसँग भन्नुहोस् कहाँ चाहिँ होइन मैले त कमाएको फाइनेन्समा कमाएर डेभलपमेन्टमा कमाएर यता कमर्सियल ब्याङ्कमा जतात्र कहाँ जाने कति कमाउने पैसो कहाँ राख्ने अब दिदी हेर्नुहोस् टेन्सन छ यहाँ तपाईँको सुन्नु नमस्कार नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छ नि फाइनेन्स चाहिँ कतिको होल्ड गर्नुभएको छ कुन कुन छ पोखरा बाई बाई भइसक्यो अब गोफल गोफल चाहिँ लिन थाल्नुभयो कि अब चाहिँ सत्ताइस गति पछि नै हेर्नु भने गोफलमा किनेको छैन मैले गोफलमा अहिलेसम्म हाजा लेखेँ अनि यो आइसिएफसी सिएफसिएल यिनीहरू त छ होला होइन दिदी जिएफसिएल जिएफएल एनएफएस आइसिएफसी छ त्यही हो अहिले आइसिएफसी मात्रै छ एमपिएफएल धेरै किन्नु डर लाग्छ जिएफएल जिएफसिएल राख्नु भएको छैन छैन भाइ
नीचे जाता है तो स्टॉप लॉस है, लेकिन तुम ये देखो जिस प्राइस से हमने डाला 924 के, वो अभी 980 पे ट्रेड कर रहा है यार। तो चार्ट में तो, चार्ट तो वो कर रहा है जो चार्ट में बनाया गया है, एक एक लाइन एक एक मूवमेंट देख लो तुम। अगर ये खूबसूरती नहीं है चार्ट की तो फिर बताओ लक्ष्मी प्रसाद के चार्ट का क्या फायदा होगा बताओ ना। लक्ष्मी प्रसाद तुमको कभी प्रॉफिट बुकिंग जोन बताएगा ना मैनिपुलेशन जोन, जब भी टारगेट पूछो तो लक्ष्मी प्रसाद बातें इधर उधर घुमा देता है। तुम भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हो घाटा भाई। सनीमा रियल टाइम्स को बताओ ना यार कितना मत इतना यार। मेरे भाई सुनो, अभी रात के लेट हो गए, मैंने लैपटॉप बंद किया हुआ है, तभी तुमको मैं कह रहा हूँ। पर फेसबुक पे ऐड कर लो, मैसेंजर में मैसेज भेज देना मेरे को, जैसे ही मेरे को मौका मिलेगा मैं उसका देख के तुमको मैसेज पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी मैं लैपटॉप इस टाइम पे तो नहीं खोलूंगा, अभी तो मैं फोन पे हूँ, ठीक है? लैपटॉप मैं कल खोलूंगा सुबह 5-6 बजे मैं उठता हूँ, तब मैं चार्ट वार्ट देख के करके फिर डाल देता हूँ मार्केट खुलने से पहले। तुम देख लो मेरा कोई भी चार्ट, सारे के सारे चार्ट मेरे मार्केट खुलने से पहले मैंने डाले थे, और ज्यादा से ज्यादा एक दिन हो या 2 हफ्ते हो जैसे भी हो, सारे चार्ट वैसे गए। तुम NIC एशिया का चार्ट देखो जो हमने डाला था, कितना सुंदर चार्ट डाला था 18 मई को, वहां से देखो जिस लेवल पे हमने NIC एशिया का 18 मई को चार्ट डाला था जब NIC एशिया 360 रुपए का था, और आज देखो कहां पर है। डेवलपमेंट बैंक का HDL का डाला था चार्ट, HDL का चार्ट देखो हमने डाला था कब, कितने प्राइस में, 1303 रुपए में, कब डाला था, 19 मई को। SIFC का डाला था, हैथवे का डाला था, मंजूश्री का डाला, साहस का डाला, बंटो भाई 20% 30% सबका सुन लिया। अभी हमें 2-3 साल बाद का सुनना है, वो 5x6x होने वाला कंपनी है ना, उसका सुनना है अभी हमको। मेरे भाई अगर मेरे को कोई ऐसा चार्ट दिखता है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगा तो हम जरूर डालेंगे, टेंशन मत लो। लेकिन मैंने जैसे कि बोला है तुम लोगों को, 2 साल के लिए चार सेक्टर पे फोकस करके बैठो, बैंकिंग, होटल, लाइफ इंश्योरेंस और माइक्रो फाइनेंस। बस मतलब माइक्रो फाइनेंस को आखिर में रखना, पहले ये 3 रखना, और जो थोड़ा बहुत बच जाए तो माइक्रो फाइनेंस, अपने आप अच्छा पैसा बन जाएगा विद टाइम। टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। मेरे को सुनाई नहीं दिया, कुछ कहा क्या तुमने? होटल में कौन सा स्क्रिप्ट बेटर है मेरे भाई? इतना तो फंडामेंटल रिसर्च करना पड़ेगा यार, मैंने तुम लोगों को सेक्टर भी चूज करके दे दिया, अच्छा खासा सेक्टर्स भी बता दिए। तुम ये देखो, मैंने बैंकिंग नंबर 1 चीखता रहा मैं, मुझे कितने सारे नेप्से के गुंडों ने आगे गाली दी, हर दिन कोई नेप्से का गुंडा आगे गाली देता था, कहता था बंटू तुम रिटेलर के दुश्मन हो, तुम रिटेलर को पागल बना रहे हो, तुम रिटेलर को बैंकिंग खरीदवा रहे हो जो कि हाई कैप है। तुम ये देखो जब से रैली शुरू हुई है बैंकिंग ने सारे सेक्टर्स को सुला दिया। तो भाई अगर मैं कुछ कह रहा हूं ना तो सोच समझ के ही कह रहा हूं, लेकिन मेरी बस एक रिक्वेस्ट है रिटेलर को भाई, टाइमिंग मैंने तुम लोगों को बता दी, जहां जहां मेरे को किसी स्टॉक में टेक्निकल में लगा कि हाँ यार यहाँ शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बन सकता है वो भी डाल दिया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स भी बता दिए। यार थोड़ी तो रिसर्च खुद भी करो यार, थोड़ा तो देखो ना कौन सा तुमको अच्छा बैंक लग रहा है और या कोई भी ऐसा सेक्टर में लग रहा है, खरीदो और होल्ड करो 2 साल, ना दे पैसा तो फिर मेरे को बोलना आके। तुमने इन निप्से के गुंडों को 3 साल सुना, इन्होंने तुम लोगों को 3200 में फंसा दिया, मार्केट 2000 के नीचे आ गई, कितनों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, कितनों ने लॉस खाया, कितनों ने कुछ किया, 3-4 साल से तुम बैठे हुए हो। मैंने तुम लोगों को 1970-2000 में बोल दिया था यहां से मार्केट ऊपर जाएगी, मैंने ये भी बोल दिया था कि मोदी जीतेगा तो नेपाली कांग्रेस वापस आएगी मार्केट ऊपर जाएगी, कितनी सारी चीजें बोल दी थी और फेसबुक पे लिख के भी रख दी थी ताकि कल को कोई भी नफ्से का गुंडा आ गए तुमको झूठ बोलेगा ना कि नहीं इसने नहीं कहा था, तो मैं ये फेसबुक का लिंक दिखा के कह सकता हूँ देखो मैंने कहा था, लिखा भी था भाई। डेवलपमेंट बैंक का चार्ट कहाँ है पूछा गया, डेवलपमेंट बैंक का चार्ट 18 मई को देखो जाके, उसके आसपास मैंने डाला था डेफ बैंक करके, तुमको वो चार्ट मिलेगा 18 मई को। और मैंने एक दिन पहले
आर यू गाइस एंजॉयिंग दिस रैली करके उसको वो रीपोस्ट भी किया है। मंटो भाई एनएससी या बुल के टॉप में कितने तक देख सकते हैं आप? एनएससी एशिया का चार्ट देख लो भाई साहब, मैंने उसमें बुल का टॉप का, इस वाले बुल के टॉप का वो डाला है जहां से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। चार्ट मैंने डाला था 18 मई को, जिसमें जब वो उसका मैनिपुलेशन जोन था अराउंड 520 और 560 के बीच में, और जो प्रॉफिट बुकिंग लाइन थी ऊपर की वो 720 की थी, और जो नेक्स्ट जोन के लिए ऑल्टरनेट टारगेट जो सेटअप करना पड़ेगा जिसके लिए हमको फिर से चार्ट करना पड़ेगा वो था 840 के बीच में। तो ये आप सब देख सकते हैं प्रॉपर, अगर आप कुछ ना करिए बस चार्ट में आप प्रॉपर सब कुछ डाल रहे हैं मेरे भाई, मैनिपुलेशन जोन, स्टॉप लॉस, प्रॉफिट बुकिंग जोन। आप ये देखिए जब नेप्से का डाला था 2700 से 2800 के रेंज में, देखिए कैसे 2737 में गया और प्रॉफिट बुकिंग आज होगी और नीचे आ गया। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें है जो हमने कर रखी है, बस आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी चार्ट को देखते वक्त, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। मतलब जो चीज मैंने लिख रखी है वहां पे, उसके लिए भी अगर आप मेरे से आगे सवाल पूछेंगे तो फिर मेरे को लगेगा ना कि ये तो यार चार्ट ठीक से देख ही नहीं रहे, तो फिर मेरे चार्ट डालने का फायदा क्या हुआ। बाकी फेसबुक पे सब है, ऊपर देख लीजिए राम बहादुर चपक है, खुद अपनी आंखों से वेरीफाई करें। और एक बात याद रखना, भले छल दरबार हो या कोई भी हो, ये प्रॉफिट भाई बोल, ये भले ही पूरे दिन बैठ के या कुछ भी बोलते हो, लेकिन आते ये फेसबुक अकाउंट पे राम बहादुर चप्पा गए इनके ये है देखने के लिए कि अगला ट्रेड कौन सा लेना है। मेरा यकीन नहीं, दो दिन पहले देख लो हाइड्रो पावर का एक उसका डाला था, उसमें राजू प्रसाद कॉमेंट में लिख रहा था वाओ, राजू प्रसाद भी राम बहादुर चप्पा के चार्ट के ऊपर ट्रेड लेता है, भले वो नाम नहीं बोल लेगा हमारा गाली देगा, लेकिन ट्रेड के वक्त वो राम बहादुर चप्पा को ही याद करता है। HIDCL का भाई मैंने डाला था ना उसमें, तुम ये देखो ना टुमारो क्या, एक बात सुनो एक मिनट, HIDCL का हिमालयन हाइड्रो नहीं, ये नहीं है, किधर गया यार, ये तो साहस का है, 17 को डाल रहा है यार, नहीं ये तो NRIC है, ये तो कमर्शियल बैंकिंग है, NFC का चार्ट है, हाँ ये रहा 15 जुलाई को डाला था हमने। आप देखेंगे कि उसमें 177 में डाला था हमने, और वहां से जो ट्रेंड लाइन थी उसका फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन जो है वो 360 और 340 में आ रहा है सितंबर के महीने, अक्टूबर नवंबर तक 2025 के स्टार्टिंग तक। तो इसका जो ट्रेंड लाइन है वो है 210, उसको तोड़ के अगर आप नीचे देखेंगे टाइमलाइन बना रखी है हमने, जहां से हमने इसको 18 मई से हम नहीं जुलाई से हमने इसका बनाया था, और जुलाई से लेकर हमने इसका लाइन बनाया है वो 2024 के एंड तक बनाया है, जहां पर हमने फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग जोन डाला है 350 360। तो हो सकता है इस साल के एंड तक 350-60 देखने को मिलेगा, सब कुछ चार्ट में भाई। और एक बात सुनो ना, 177 में चार्ट डाला था, ठीक है, तुम ये देखो 211 की ट्रेंड लाइन जो है इसने ऑलरेडी तोड़ दी है, जो हमने
जुलाई के महीने के लिए बनाया था, ठीक है, वो ऑलरेडी तोड़ चुका है, वहां से टच करके नीचे आके थोड़ा ऊपर है अभी। इसका मतलब यही है ना कि जैसे हमने डाला था 100% आ जाना चाहिए रिटर्न दिसंबर तक। भाई और क्या चाहिए है तुमको यार, अगले 6 से 7-8 महीने में अगर ये 100% बढ़ गया JDCL चार्ट के बेसिस पर, क्या चाहिए भाई? और अभी भी तुम 177 से 211 में प्रॉफिट में हो अगर चार्ट को देखोगे 15 जुलाई को जो डाला हमने। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बॉस, इससे ज्यादा क्या चाहिए यार। 6-6 महीने में 100% रिटर्न, या तुम वॉरेन बफेट को मात दे दो यार। अरे बाल कृष्ण जी, पुलिस को बुला लिया आपने? बंटू भाई यू एमआरएच को चार्ट हेर देऊ ना प्लीज एक पटक। के रे यू एमआरएच को चार्ट हेर देऊ ना बंटू भाई। अरे फेसबुक पे ऐड कर लो, उस पे मैसेंजर पे भेज देना, मैं कल कर दूंगा, ठीक है? ओके, फेसबुक पे ऐड कर लो, मैसेंजर पे डाल देना कंपनी का नाम वो करके। मैं सुबह जब टाइम मिलेगा तो मैं 2-3 लोगों का देखकर मैसेज मैं कर दूंगा। राम बहादुर चापा का ही आईडी? ओ राम बहादुर चापा। ओके सुबेदी भाई, उसके लिए आपको हमारे फेसबुक पे फॉलो करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जब जब मुझे कोई स्टॉक मिलेगा जो हम खरीद सकते हैं मैं डाल दिया करूंगा, आप बस उसको देखना पोस्ट को, उस हिसाब से खरीद लेना। और जैसे चार्ट की लाइन होगी इलियट वेव की और ट्रेंड लाइन के हिसाब से। उधर उधर कैसे इलियट वेव है यार बंटू? वो क्या वो ABCD कर दिया तो इलियट हो गया क्या बंटू? अरे यार तू तुम्हारा तू बंटू तू क्या क्या बोल रहा है यार, तू ऐसा मत कर यार बंटू यार, सोचे साझे लोगों को क्या कर रहा है तू यार बंटू यार। मैं पैसा कमा के दे रहा हूँ। वो ट्रेंड लाइन इधर के एबीसी लिखकर वो तान दिया तो इलीट वेव हो गया क्या? अच्छा इलीट वेव, अरे तेरा वो क्या है यार, तू तो बहुत ही यार वो निष्का यार, क्या बोलते हैं यार, हे बंटू यार। तो अरे यार मुझे तेरे ये बात सुनकर बंटू यार बहुत ही तरस आ, मुझे तो तरस तुम पे आ रहा है कि तुम कितने सालों से मेहनत कर रहे थे लोगों को टोपी लगाने के लिए और एक राम बहादुर चपक गए आया और तुम्हारी लीना। सच में मैं सच कह रहा हूँ लीना, तुम हंसो मत, तुम ऊपर आओ। इसको देखकर मुझे बहुत तरह इसका वो फेस दिखो यार, बहुत तरस आ रहा है यार। अरे बंटू तेरे पास पैसा नहीं है क्या? तूने आज कुछ भी नहीं खाया क्या? खाया फोटो लगाऊंगी लीना, मैं तिमीलाई एड गरेको छु, एड ब्याक गर ल। ये हमारा घाटा भाई इधर लड़की बाजी करने आता है ना, और ये लोगों को टोपी लगाने आता है, कोई ढंग का काम नहीं है इसके पास। कोरिया में लड़कियों ने उसको लात मार दी है, कोई इसको पूछता नहीं हमारा किमची क्या किमची? तू माइक म्यूट करके हंस मत बंटू, मुझे बहुत अच्छे से पता है तू हंस रहा है उधर। वो लीना एट पैक कर दो ये रिजल्ट के बाद रिजल्ट आएगा ना, इसका क्वार्टर का रिजल्ट आएगा, ये बस तब से लोड से फिट है पंडू। लेकिन NFS तो वो 2000 तो बहुत अच्छे से पुगेगा। हां रिजल्ट आने दे फिर पता चल जाएगा, रिजल्ट आने दे। क्वार्टर का रिजल्ट कितने दिनों में आ रहा है पता नहीं यार, वो आएगा वो 2 महीने के बाद यार। अच्छा 2 महीने के बाद, अभी तो जुलाई में जून में क्वार्टर खत्म हुआ है, अभी मेरे ख्याल से अगस्त में आ जाना चाहिए, अगले महीने 100% आना चाहिए मुझे लगता है अगले 2 हफ्ते में आ जाएगा रिजल्ट। इस देवी दीदी को कुछ बोलो यार, ये देवी दीदी वो मार्केट पे पैसे कमा कर वो इधर उधर घूम रहे हो, देखो यार फोटो डाल के आ गई है इधर यार। मुझे देख बंटू, मैं तो ऐसे डुल रही हूँ ऐसे, देख जरा बंटू कह रहे अनुशासन भाई, तपाईँ डुलेको थाहा छैन अनि मलाई डुल्यो भने दिदी तपाईँ सुत्ने बेलामा उता त्यो डियर कल्याण सुन्न जानु न, त्यहाँ रमाइलो भइरहेछ, कहाँ यता आएको त्यता डियर कल्याणमा कम मजा भइरहेछ भोलि के हुन्छ बन्टु ल भन्नु पर्यो।
यो मुलालाई थाहै छैन, यसलाई कसरी थाहा हुन्छ यार, सुन्नु पर्यो नि त्यस्तो भन्नु हुँदैन। बन्टु मैंने वो यहाँ वो अदर सेक्टर बुम बुम होगा बोल रहा था, उसके बाद तूने एक दिन के बाद वो ब्रदर्स ओदर्स देख लिया, तू तो क्या, तू तो बहुत यार, तू तो भरवा भरवा निस्का यार भांजे यार, शर्म कर अभी तू कह रहा था कि अदर्स देवी दीदी पनि बन्टु को फैन भइदिएको, बाप रे के अचम्म हो भगवान, गाह्रो छ दाइ, गुंडे तू कौन छलदरबार बोल रहे है, कौन छलदरबार छलदरबार बन्टु, तूने वो लिख रहा था वो बन्टु सीआईबी कस्टडी, कब कब निकला फिलहाल के लिए जो हमने जैसे प्रॉफिट भाई अभी दो दिन पहले आया था, इसने बोला था 2500 के बाद करेक्शन आएगा, तो हमने इसको बहुत लड़ाई लड़े, हमने कहा अरे काले तू झूठ मत बोल, 2773 और 2884 का हमने बोला था कि इसके आसपास होना चाहिए, और आज हम देख सकते हैं 2737 तक गया था, और वहीं से क्या नाम है आज प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला सेक्टर्स में। तो फिलहाल के लिए यहाँ से अब ये मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड रहेगी और लंबे टाइम तक रहेगी, और यहाँ पर इस के आसपास इस इन लेवल्स के आसपास मार्केट कंसोलिडेट करेगी, और जब कंसोलिडेट करके जब वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे अगले अप मूव के लिए, तो हम फेसबुक पे डाल देंगे, रिटेलर को हम इन्फॉर्म कर देंगे रामबहादुर चपगाई के फेसबुक आईडी पे, बट यहाँ अभी फिलहाल के लिए मार्केट जो है प्रॉफिट बुकिंग जोन में है, जो आज हमने देखा 2737 तक गया था, हमारा टारगेट था 2773 का, उससे सिर्फ हाँ बोलो यार 36 पॉइंट कम था, लेकिन आप ये देखिए कि क्लोजनेस कितनी थी हमारे टारगेट की, तो और ये तो हमारे गुमंते भाई ने भी सुना था, अब गुमंते जी ये मत बोलना कि नहीं सुना था, अब तुझे कुछ याद आएगा, याद आएगा वो 2780 का, नहीं नहीं मुझे तो एक काम करो कॉल भी तो प्रॉफिट बुकिंग आएगा, नहीं नहीं गुमंते जी प्रॉफिट बुकिंग तो ये कंसोलिडेशन जोन है, तो अब ये रेंज बाउंड रहेगी मार्केट थोड़ा सा ऊपर रहेगा, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा अब ये ऐसा होगा, तो फिलहाल के लिए मार्केट जो है कंसोलिडेट करेगी, अच्छे खासे लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेट करेगी अगले मूव के लिए, ऊपरी रेंज में ही कंसोलिडेट करेगा मार्केट, ये ऊपर नहीं नहीं ट्रेंड करेगा, नीचे नहीं जाएगा, अरे किस मैंने बोला तो नीचे तो जाना पड़ेगा ना भाई, यही ऊपर ही, मैंने कब मैंने मैंने मना किया क्या गुमंते जी, मैंने टारगेट दिया गुमंते जी, मैंने टारगेट दिया था 2773, ठीक है हमारे प्रॉफिट भाई आने, हमारे प्रॉफिट भाई और छलदरबार वालों ने 2500 बोला था, उसके भी 230 पॉइंट ऊपर, प्रॉफिट झूठ मत बोला, अभी दो दिन पहले छलदरबार मत बोल भाई यार, बात बात पे क्यों छलदरबार बोल रहे हो, तो काले गाली खानु मन लाग्यो मैकुरी, ए गुंडे ऐसे मत बोल यार, छोड़ नहीं तो फिर मैं अपना फोटो लगा दूंगा यहाँ पे, फिर तू डर जाएगा मेरा फोटो, वो छलदरबार वाले इतना वो खुन्नस खा के बैठे, फिर तुम बात बात पे छलदरबार छलदरबार, अरे क्या करूं गुमंते जी, जब मैं लोगों को बोल रहा था बैंकिंग खरीदो बैंकिंग खरीदो, ये गुंडे हर दिन आके मेरे को गाली देते थे, कहते थे हाई कैप खरीदवा रहे रिटेलर, नहीं वाले ने तो 6 महीने पहले ही बोल रहा था बैंक खरीदो 6 महीने पहले, झूठ बोलो घुमाते जी, ना नहीं नहीं झूठ कैसे बोलना है, झूठ कैसे बंटु यहाँ सुनिए, यल दरबार के जो आदमी था तो बैंक बोल रहा था ये, अरे अरे देवी जी मैंने खुद जब बोला लोगों को बैंकिंग खरीदो,
तो इन्होंने आके मेरे को गाली दी कि हाई कैप खरीदवा रहे बंटू, हाई कैप में देवी जी के बाद खरीदो, देवी जी का बात मत सुनो, ये देवी जी भी वो एल दरबार के वो है वो अपने आप को ऊपर रखना चाहते हो, फटा ये फटा ये प्रॉफिट भाई हमारा ना साखे बनने उता गर्ने साखे बनने चारै तिर साखे बन्न दिमाग खराब भयो उता मेरो मेरो दाजु मेरो दाजुले कति पुराउनु हुन्छ फाइनान्स त एनएफएस त 5000 पुराउनु हुन्छ मेरो दाजुले दिपेन्द्र अग्रवाल भनेको सुन्छु ए दिदी मैले फाइनान्सको इन्डेक्स 2600 पुगेपछि म दिपेन दाईको रूममा गएर एक वचन बोल्ने छैन है फाइनान्सको इन्डेक्स 2600 पुगेपछि चाहिँ म त्यहाँ गएर खेस खुस के मेरो दाजुले एनएफएस 5000 पुराउनुहुन्छ तर तर फाइनान्स फाइनान्स 2600 पुग्नु अगाडिसम्म चाहिँ म दाईको रुममै गएर चाहिँ दिनभरि चाहिँ बस्ने बस्नु चाहिँ त्यति चाहिँ हो तर बन्टु तुमने ओ मैंने अदर्स इन्डेक्स अहिले बेचेर होला नि त नगएको अनि फाइनान्स हजुर अहिले फाइनान्स बेचेर अनि उता नजानु भयो होला नि त त्यही त किन त्यहाँ गएर आफू बढी त्यहाँ गएर बोल्नुभन्दा नबोल्नु नै उचित छ नि त होइन आफ्नो आफ्नो टार्गेट हिट भयो आफू निस्क्यो त्यहाँबाट अब आफूले आफूलाई चाहिएको चिज एडभान्टेज लियो त्यहाँ गएर होइन अनि त्यो भएपछि अब किन जानु पर्यो त्यहाँ नमस्ते हेलो मेरो शिवमको त्यो मेरो बोनस आएन हौ कहिले लिस्टिङ भएको थियो म त्यो पनि आइडिया भएन है म त यता हावा हाम्रै त्यस्तो भएँ त्यो खोजिदिनु पर्यो झिल्के सर खोज्नु खोज्नु कहाँबाट बोनस लिस्टिङ भएको थुप्रै कि के हो मलाई त थाहा छैन मसँग त छैन ए तपाईँसँग छैन है हुनेवाला सरले भन्नु त त्यो चाँडै खोजिदिने दि गर्नु पर्यो मेरो बोनस छैन मेरो मेरो सेयरमा आएको छैन त्यो आइडिया दिनु त मलाई म यहाँ काम गर्दैछु है एकछिन हावा हाम्रो उहिले जमानामा भए जस्तो लाग्छ त मलाई त तपाईँको अहिलेसम्म आएन के कारणले आएन त खोइ थाहा भएन है बोलिए बोलिए गुमंती जी सवाल पूछा है रिटेलर ने आपसे क्या वो मैंने बोल दिया तो मैं तो ये तो पहले ही लिस्टिंग हो चुका है इसके खाते में क्यों नहीं है मालूम नहीं मेरे को मालूम नहीं है तो क्या किया जाए क्या वो कंपनी के पास जाए नेप्से के पास जाके डाले अपना कुछ तो सोल्यूशन दीजिए ना गुमंती देखो गुमंते जी भाग गए जब लोगों की मदद करने की बारी आती है तो गुमंते जी भाग जाते हैं ये हमें दिखाता है कि इनके अंदर का गुंडा कितना बड़ा है बहुत ही स्वार्थी लोग हैं ये लोग किसी को तकलीफ में देखते हैं तो मदद करने का हाथ भी नहीं बढ़ा सकते शर्म आती है मुझे प्रॉफिट भाई भी भाग गया प्रॉफिट भाई ने तो इतना टोपी लगाया ना यहाँ पे लोगों को अभी दो दिन पहले मेरे से कितना लड़ा था कि 2500 में करेक्शन आएगा मैंने तुमको रिकॉर्ड कर लिया तुमने 2773 का टारगेट दिया ये वो बोला आज देखो मार्केट 2700 को ऊपर चली गई ना अब देखो भाग गया ये आप क्यों नहीं बजा रहे रिकॉर्डिंग दो दिन पहले तो कह रहा था कि 2500 में करेक्शन आएगा नीचे चली जाएगी अभी चुप हो गया बहुत बहुत खतरनाक लोग हैं यार ये ना इनसे बच के रहना चाहिए हमें बाकी दोस्तों मैं अभी फिलहाल के लिए तो लैपटॉप पे नहीं देख सकता चार्ट वार्ट भी सोने का टाइम है लेकिन आप लोग मेरे फेसबुक में राम बहादुर चप्पा गैंग पे ऐड करें इस पे आप फॉलो करें मैसेंजर पे मैसेज भी भेज सकते हैं जब मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर एक एक का वो कंपनी का चार्ट का देखकर करवा दूंगा लेकिन आप फाइनेंस के बारे में कुछ बोलिए तो आप फाइनेंस के बारे में कुछ बोलिए
फाइनेंस में अभी गड़बड़ होने वाला है, अच्छा खासा गड़बड़ होने वाला है। कैसा वो पता चलने वाला आप लोगों को, एक बार क्वार्टर का रिजल्ट आने दो, एक एक कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट आएगा ना। तो अच्छा सबसे बढ़िया तो फाइनेंशियल, सबसे बढ़िया तो फाइनेंशियल लग रहा है, रोज बढ़ रहा है फाइनेंस। फाइनेंस देखो मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ा तो बैंकिंग है सबसे ज्यादा अभी तक रैली में, लेकिन ये जो फाइनेंस में हो रहा है ना आज, जैसे हर सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आ गया, लेकिन फाइनेंस एक या दो कंपनियों की वजह से जो ऊपर गया सेक्टर का, बहुत गड़बड़ हो रही है फाइनेंस में। मैं नाम नहीं लेना चाहता, रोज ऊपर जा रहा है, गड़बड़ हो रहा है। हम हमको तो क्या, जितना ऊपर गए उतना ही अच्छा है ना, तो ऊपर ऊपर जाने का आप गड़बड़ बोलते हैं क्या? जब ऊपर में जाके कोई खरीद लेगा ना उसको, और जब फंस जाएगा, जब वो नीचे आएगा, तो फिर ऐसे लोअर सर्किट लगेंगे, लगते रहेंगे कि आप लोगों को निकलने को नहीं मिलेगा। यही कारण है मैं आपको कह रहा हूँ कि फाइनेंस में हेर फेर चल रही है, हमको कुछ दिख रहा है तभी हम बोल रहे हैं, बच के रहना, बाकी आप लोगों की मर्जी। गड़बड़ है भाई, गोलमाल है, गोलमाल फाइनेंस में, गोलमाल। आप ये, आप ये बात सुनिए आप, कि जब जब ये हाई कैप कंपनी जो बैंक है, इसमें जब एक दिन दो दिन बढ़ेगा तो उसके बाद आदमी सब प्रॉफिट बुक कर लेंगे उसमें, क्योंकि वो साइडवेज में चला जाएगा, तो वो जो पैसा है जो हाई कैप से पैसा निकल, सुनिए ना, जो हाई कैप से पैसा निकलता है वो सब फाइनेंस में और अदर लो कैप में ही जाके फंसेगा। देखिए ये जो आपने बात बोली है ना, यही बोल के छल दरबार के गुंडों ने, जब मैंने 1970 में लोगों को बोला था ना बैंकिंग खरीदो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो इन्होंने बोला था हाई कैप खरीदवा रहे हो, ये वो करके लोगों को खरीदने नहीं दिया। कुछ लोग थे जिन्होंने उनकी नहीं सुनी, उन्होंने खरीद लिया। सबसे ज्यादा इस रैली में बैंकिंग सेक्टर बढ़ा, और यही जो आपने चीज बोली है ना, यही बोल के छल दरबार के गुंडों ने रिटेलर को टोपी लगा दिया, उनको बैंकिंग नहीं खरीदने दिया। जहां बाकी सेक्टर 2 या 4% बढ़ रहे थे, बैंकिंग एक एक दिन में 8-8, 9-9, 10-10% चढ़ा है। आप सोच रहे दम कितना था इस रैली में बैंकिंग सेक्टर में। मंडू तू यार भेल छल दरबार बोल के पागल हो जाओगे यार, कितना बार छल दरबार बोलोगे, दिन में कितना बार बोलता है तू? तू छोड़ दो नाम लेना, छोड़ दो, फाइनेंस के पीछे हाथ धो के पड़े है। फाइनेंस के पीछे हाथ धो के नहीं पड़े हम, हमको कुछ दिख रहा है तो हम रिटेलर को बोल रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही है फाइनेंस में, पता चल जाएगा टाइम में, थोड़े टाइम की बात है, आप देखिएगा। लेकिन रिटेलर सबसे ज्यादा फाइनेंस में ही कमा रहे हैं मेरे भाई, सबसे ज्यादा अभी तक इस रैली में बैंकिंग सेक्टर में कमाया है, ये बात सबको मालूम है। बाकी बची दूसरी बात, बैंकिंग वेल डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्टर है, फाइनेंस कॉन्सेंट्रेटेड है। जब डिस्ट्रीब्यूशन आएगी ना, अब उसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी। है ना, ये मान से क्यों यार, ये फाइनेंस को उज्जवल जी, मैं हाथ धो के नहीं पड़ा, मैं लोगों को बचा रहा हूँ, बस बाकी लोगों की मर्जी है, बाकी लोगों ने जो करना कर लिया। ये आईटीसी लग रहा है 600 रुपए आने वाला है घुमंते जी, लग रहा है आईटीसी तो 600 चले जाएगा यार। मुझे तो लगता है इसमें और पैसा डाल देना चाहिए। अगर कल फिन निफ्टी 300 पॉइंट चढ़ गया, मतलब 6 गुना हो गया 700 तक। बंटू तू तेरा बात मत फेर, तू आज क्या के
कल क्या कह रहा था, आज क्या कह रहा है और परसों, वो तुझे अच्छा तुझे मालूम अच्छा एक काम कर, एक, एक, एक काम कर, 250 × 600 कर, जल्दी कर 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 250 × 600 डेढ़ लाख रुपए। ओ डेढ़ लाख हो जाएगा तो मैं फिर उसको आईटीसी में डाल सकता हूँ। अरे 250 × 250 × 600 डेढ़ लाख नहीं होता पागल, फिर बता कितना होता है। 15,000 होता है, 15,000 15,000 अबे यार गुंडा ही रहेगा यार तू जिंदगी भर। 250 × 600 15,000 होता है तेरा, तेरा वो सेंस चेक कर रहा था। गुंडे डेढ़ लाख होता है, गुंडे गुंडे शर्म कर ये देखो, ये है वो अनपढ़ गुंडे जो आप लोगों को टोपी लगाते हैं जिसको। अरे लेकिन मैंने मैंने दो दिन पहले ये कहा था कि वो 250 × 600 15,000 याद रखूंगा। अरे बंटू मैंने तुझे 3 दिन पहले ये कहा था कि अदर्स इंग्लिश वो 2 महीने के बाद ऑल टाइम हाई लगेगा 29 के इंडेक्स। शर्म कर गुड्डे, अभी तो थोड़ी देर पहले आके कह रहा था तूने अदर्स डाला फेसबुक पे, क्या हुआ एनटीसी तो पुका ही नहीं, अब जैसे तेरे को पता चला एनटीसी तो 1,000 चला गया था तू कह रहा शर्म कर। दोस मत हो क्यों तू पागल, पागल भाई शर्म करो, शर्म करो, हमारी गोमा जी आई है, गोमा जी माथे उनुस। अरे गोमा दी को तो तुम मत बुला यार, वो गोमा दी तो फाइनेंस फाइनेंस में बहुत अच्छी पैसा कमा रही है, इसलिए हम लोगों से बात नहीं करती है। तुझे तुझे से तुझसे तो बात ही नहीं करती हो, ऊपर बुला तेरे तुझसे तो बात ही नहीं करेगी हो। गोमा जी क्यों नहीं आप मेरे से बात करते, गोमा जी हमने ऐसा क्या कर दिया, हम तो सोच रहे थे हम आपके छोटे भाई है। ये मुझे चिढ़ाता है, इसको अच्छा लगता है मुझे चिढ़ाने में, इसको क्यों अच्छा लगता है पता नहीं, बहुत अच्छा लगता है। ये प्रॉफिट भाई ना, ये सबको चिढ़ाता है। हाँ मुझे ज्यादा चिढ़ाता है, कभी क्या बोलता है कभी क्या बोलता है, अभी बोल रहा था क्या बोल रहे थे भैया उधर देवी दीदी और गोमा दीदी लड़ते है बोलते मैं ठीक हूँ गोमा जी, मैं बहुत खुश हूँ, हमारे जितने भी टारगेट थे नेप्से के और ऊपर राम बहादुर चपगाई के आए, उस पर आप देख सकते हैं हमने ये भी लिखा था। हाँ बोलो यार, तुझे ये बोलते हुए हंस उठती नहीं क्या? क्यों हंसूंगा यार, मैंने 2700 एक बात सुनो गोमा जी, ये प्रॉफिट भाई ये 2 दिन पहले आके, अरे बेचो बेचो 2500 में करेक्शन आयो, 2500 में करेक्शन आयो, मैंने कहा भाई गुंडे चुप हो जा, मार्केट 2700 के किधर है 2500, 2 दिन पहले 2500 देखा।